सब लोग आई होप बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपके साथ में कुछ ग्रूमिंग टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और अगर आप भी बहुत ज्यादा स्मार्ट, ब्यूटीफुल एंड कॉन्फिडेंट दिखना चाहते हो तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो के साथ में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल के लिए न्यू हो ना तो सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हिट लाइक भी जरूर करना इस वीडियो को। तो चलिए ना वो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट नंबर पे आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू रिमूव योर फेशियल हेयर रेगुलरली। तो उससे आपका जो पर्सनैलिटी है वो बहुत ही अच्छे से ग्रूम होकर आता है। ये यहाँ पर जो फेशियल हेयर होते हैं या फिर यहाँ पर होते हैं या फिर आईब्रोज के ही क्यों ना हो जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आप उसको बिल्कुल बनवा सकते हो और आप देखिएगा कि आपके जो पर्सनैलिटी है वो कैसे उभर कर आता है। देन सेकेंड नंबर पे मैं आपको सजेस्ट करूंगी अबाउट द नेल्स। तो आपके नेल्स हमेशा यू नो वेल ग्रूम्ड होने चाहिए। अगर आपको नेल पेंट्स लगाने का शौक है तो आप नेल पेंट्स लगा के रखिए, अदरवाइज आप जो है ट्रिम करके रख सकते हो अपने नेल। बट अगर आपकी नेल पेंट जो है थोड़ी थोड़ी सी हट रही है तो मेक श्योर कि आप उसको पूरा रिमूव करो, बिकॉज वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। देन थर्ड नंबर पे आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू स्मेल गुड ऑल डे लॉन्ग। अब स्मेल गुड में दो चीजें आती हैं, एक तो हमारी बॉडी का ऑर्डर और एक माउथ का ऑर्डर होता है। अगर आप किसी से टॉक कर रहे हो तो आपके माउथ में से डर्टी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सो मैंने एक सर्वे में देखा है कि 86% से ज्यादा जो लोग बाग हैं वो अपनी माउथ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती हैं। सो गाइज, फॉर माई ओरल केयर आई यूज अगारो कॉस्मिक प्लस सोनिक इलेक्ट्रिक टूथ ब्रश। तो ये इस तरीके के बॉक्स में आपको मिल जाता है। इसमें 5 क्लीनिंग मोड्स दिए गए हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ऑल राइट, तो इसमें जो है बॉक्स में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। वन बाय वन हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज मिल रही है इसमें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक मैग्नेटिक केस मिल जाता है, देन इसकी मेन बॉडी है, देन इसके 5 डू पॉइंट ब्रश हेड्स भी मिल जाते हैं विच आर डिजाइन to fit topography of teeth, और एक कवर है, एक चार्जेबल केबल आपको मिल जाती है, इसमें वारंटी कार्ड है एंड देन एक मैनुअल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको यूज करना। सबसे पहले मैंने इसकी बॉडी में जो है एक डू पॉइंट ब्रश हेड को अप्लाई कर लिया है। सो अभी मैं इसको स्विच ऑन कर रही हूँ। इट हैज सुपीरियर सोनिक टेक्नोलॉजी गाइज, इट जेनरेट्स 40,000 स्ट्रोक्स पर मिनट, डिमोलिशिंग डीप टूथ डर्ट इफेक्टिवली। नाउ इसके मोड्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले वाइटनिंग मोड है, क्लीनिंग मोड है, सेंसिटिव मोड है, पॉलिशिंग मोड है एंड देन मसाज मोड भी है। सो आप इसको डिफरेंट डिफरेंट 5 क्लीनिंग मोड्स की तरह भी यूज कर सकते हो। और इसके साथ में ये अमेजिंग सा इंटरडेंटल ब्रश हेड भी मिल जाता है फॉर क्लीनिंग बिटवीन टीथ एंड एक्सट्रीमली हार्ड टू रीच एरियाज। तो चलो अब मैं इसको ऑन कर रही हूँ एंड देन आई विल बी यूजिंग इट। तो अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो तो ये जो है 45 डेज तक चल जाता है ओनली आफ्टर 4 आवर्स ऑफ फुल चार्जिंग। सो अभी मैंने इसमें अपना टूथपेस्ट लगा लिया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और मैं इसमें बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगा रही हूँ। अपने आराम से मेरे जो टीथ हैं वो बहुत ही इजीली से ब्रश हो रहे हैं एंड इट रिमेंबर्स लास्ट यूज्ड मोड एंड स्टार्ट्स एट दैट मोड इन नेक्स्ट यूज। तो ये भी इसकी मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है एंड द प्रोडक्ट इज क्वाइट हैंडी ऑल्सो। Wow guys, amazing and I loved brushing with this agaro का toothbrush। इससे ना मेरे जो yellow teeth पे जो भी ऐसे callus वगैरह था वो बिल्कुल remove हो गया, because इसमें इतने सारे rotations है ना that you just love brushing with this one। मतलब आपको कुछ भी efforts लगाने नहीं पड़ते, you just keep it onto your teeth और वो अपने आप ही सब brushing कर देगा। और जब आप यहाँ पे अपने gums में भी brush करना चाहो तो तब वहाँ पर भी अच्छे easily से brush हो जाता है। और इसमें काफी सारे ऑप्शंस भी हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाइटन अप करेगा, क्लीन करेगा, सेंसिटिव, पॉलिश एंड देन मसाज। तो ये सारे ही ऑप्शंस आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। और भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा, मतलब इतना मजा आया इसको करने के बाद में, ब्रश करने के बाद में। सो आई एम टोटली लविंग दिस और अब मैं डेली इससे जो है अपने टीथ को ब्रश करने वाली हूँ। बिकॉज अगर आपको यू नो एक बहुत ही अच्छा एक पॉलिश्ड लुक अचीव करना है तो ये जो है बेस्ट ग्रूमिंग टिप है आपकी, कि आपके जो माउथ है उसमें से ऑर्डर नहीं आना चाहिए और आपके जो टीथ है वो बिल्कुल भी डर्टी नहीं दिखने चाहिए। अगर आपके टीथ में बिल्कुल ऐसे येलोनेस ये सब चीजें दिखेंगी ना तो आपकी पर्सनैलिटी वैसे भी डाउन हो जाती है। सो यस गाइस, इससे रिलेटेड ना सारे ही लिंक्स दिए हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो। हाईली हाईली टोटली रिकमेंडेड बाय मी। सो यस, आई जस्ट लव्ड दिस प्रोडक्ट।
अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट थिंग जो कि है आपके हेयर ग्रूमिंग के बारे में। तो आपकी पर्सनैलिटी में सबसे पहले जो है आपके हेयर ही देखे जाते हैं। तो अगर आपके हेयर जो है बहुत ज़्यादा ऐसे अनक्रैम्प्ड वगैरह हो रहे हैं तो अपने हेयर को बिल्कुल अच्छे से रख सकते हो। अगर आप यू नो ओपन हेयर सूट करते हैं, तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह देने जा रहे हो तो आप ओपन हेयर करके जा सकते हो, या फिर अदरवाइज आप जो है हाई पोनी टेल भी कर सकते हो। हाई पोनी टेल इज इन हाई फैशन दीज डेज, सो आप बिल्कुल आउट कर सकते। बस यही था मेरा आज का वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट लाइक जरूर करना। मेरे चैनल के लिए न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आई शुड मीट यू इन वन अनदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश। बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय।